हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टाइज में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगा सिंबाद द सेलर फ्रॉम द मूवी रॉक ऑन। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये, मैं आपको पूरा पूरा सुनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो सिखाऊंगा, फिर इसका सारा कॉर्ड पार्ट, पावर कॉर्ड्स, और लास्ट में इसका इलेक्ट्रिक गिटार सोलो। तो पहले मैं आपको जो इंट्रो पार्ट है वो बजा के दिखाता हूँ। हालांकि वो कहना सिंथेसाइजर पे बजा हुआ है, मैं इसको गिटार पे वो टोन निकालने के लिए टैपिंग के थ्रू करना बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले बजा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या, सारे के सारे नोट हमारे स्ट्रिंग नंबर 2 पे हैं, और स्ट्रिंग नंबर 2 पे मैंने यहाँ से क्या नाम है फ्रेट 8 पे मैंने अपना फ्रेट 8 को प्रेस कर रखा है, और अपने इंडेक्स फिंगर से मैंने सारे नोट जो है म्यूट कर रखे हैं। और यहाँ मैं अपने इंडेक्स से जो मुझे नोट लेना है वो है फ्रेट 15, देन 13, देन 12, देन 10। ओके, कैसे? ओके, नाउ तो शुरू करते हैं। पैटर्न ध्यान से देखिए, सेम पैटर्न है, एक बारी समझ आ जाएगा फिर आपसे होने लग जाएगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, पुल ऑफ। जब ऐसे मैं पुल ऑफ कर रहा हूँ तो मेरा ये 8 फ्रेट साउंड कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये चीज़ है, इतना हो गया तो सारा हो जाएगा। ध्यान से देखिए फिर से आप लोगों के लिए। स्लो, फ्रेट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 15, 13, 12, 10। ओके, एक बारी और। बार बार सुनिए क्योंकि ये तो थोड़ा सा एक बारी पैटर्न समझ आ गया फिर होने लग जाएगा। स्लो फॉर यू, एक बारी और। तो अब शुरू करते हैं सारा कॉर्ड पार्ट। जब इंट्रो में जब गाना बिल्कुल शुरू होता है तो आपको कुछ इस तरह का टोन मिलेगा, बजा के दिखाता हूँ पहले मैं आपको। तो इंट्रो में चल रहा है, गाने में बहुत बारी ये पार्ट आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए पहले सबसे पहले डेमो बजा के दिखाया है, तो कौन सा चीज़ कितनी बारी आ रही है, कब आ रही है, उसके लिए आप डेमो पर जाइए, बार बार देखिए, आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले जो कॉर्ड है वो है जी हमारी, आप देख सकते हैं। इसके लिए आपने मैंने क्या किया, जस्ट मैंने स्ट्रिंग नंबर 1 और 2 फ्रेट 3 पकड़ रखा है, और नीचे की मैं 4 स्ट्रिंग बजा रहा हूँ दिस। देन फिर मैं ये नोट ऐड कर रहा हूँ, 4 स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। देन 4 स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, देन 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। सी बन गया ना ये। तो पहला हमारा है 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 बीट के लिए। लेकिन टाइमिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ, 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4 and. अगर आप बेस नोट देखेंगे, बेस नोट कैसे चल रहा है, 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4 and
ये इसकी टाइमिंग भी मैं दोबारा जाकर दिखाता हूँ आपको। तो ये गाने में बहुत बारी बज रहा है, मैंने डेमो बजा के दिखाया है, जितना डेमो सुनेंगे उतना आपको अच्छा आइडिया मिलेगा। उसके बाद हमारा पावर कॉर्ड पार्ट है, इसमें जो माय टाइमिंग है, पहले आपकी पावर है, दिस इज योर डी ए then G, then C. This is your D power chord, then A, then G, back to C. अब इसके लिए हम फोर फोर मेजर हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे बन जाते हैं आप बेशक, तो आप इसको पाम म्यूट करके ये भी कर सकते हैं, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Yeah, simple. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ये कौन सा पार्ट है? उसका फिर से वही आपका अपने ऐसा दसिंदा दसेला सेला। तो ये पार्ट दोबारा से इसका आ रहा है, इसमें मैं प्लेन बजा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, जस्ट अभी 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. इट्स टोटली अप टू यू, कभी आप पाम म्यूटिंग करना चाहें या बिना पाम म्यूटिंग भी कर सकते हैं, जैसे 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4. तो फ्रेंड्स पूरे पूरे सॉन्ग में यही कॉर्ड पार्ट है, बार बार यही रिपीट हो रहा है, बार बार डेमो को देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं सोलो, तो सोलो का फर्स्ट पार्ट पहले आपको बजा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। नाउ स्लो फॉर यू, अगेन देन नेक्स्ट पार्ट स्लो ना, पूरा फर्स्ट पार्ट स्लो नेक्स्ट पार्ट स्लो तो दोबारा देन 12 पे सेमी टोन रिलीज देन 1.5 ठीक है, सेमी टोन फिर 1.5 यहां तक कैसे एक बारी और नेक्स्ट पार्ट अगेन स्लो स्लो स्लो
नाउ नेक्स्ट पार्ट. स्लो. अगेन. अगर वैमी आपके पास नहीं है फिक्स ब्रिज है तो आप क्या करेंगे? स्लो. और वैमी है तो सॉरी. नेक्स्ट फ्रेज. Slow for you. Semitone bend. Release then pull off. Then full tone bend and vibrato. Next. Full tone bend. This is your fret number 18. Then 17 में semitone. Hit, then slow. Again. फ्रेंड्स अगर आपको कोई पार्ट समझ ना आए तो वीडियो को स्लो करके देखिए, बार बार देखिए, डेफिनेटली समझ आएगा. और क्योंकि ये एक एडवांस लेवल का लेसन है तो मैं समझता हूँ कि आपको स्ट्रिंग बेंडिंग और ये टैपिंग आती होगी, जब ये हो पाएगा. और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.